सुप्रीम कोर्ट ने राज्य सरकार को दिया बड़ा झटका। अतिक्रमण हटाने की समय सीमा बढ़ाने की याचिका को किया खारिज। अतिक्रमण पर नैनीताल हाईकोर्ट ने आदेश को रखा बरकरार। राजधानी में अतिक्रमण को लेकर गरमाई सियासत। कांग्रेस ने राज्य सरकार के खिलाफ दिया धरना। सरकार के अपने ही विधायक कर रहे विरोध। बीजेपी आलाकमान ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री और प्रदेश अध्यक्ष अजय भट्ट को बुलाया दिल्ली। बुधवार को सीएम और अजय भट्ट का पार्टी के आलाकमान से होगी बातचीत। 19 अगस्त को सीएम वापस देहरादून आएंगे। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत को मिली राहुल की टीम बन जगह। 2019 लोकसभा चुनाव के लिए हरीश रावत को पार्टी का महासचिव के साथ साथ असम का भी प्रभार दिया गया है। नैनीताल हाईकोर्ट से मिली पतंजलि। योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण को राहत। पासपोर्ट मामले में हाईकोर्ट ने रजिस्ट्रार जनरल को बालकृष्ण का पासपोर्ट वापस करने का दिया आदेश। देहरादून के राजपुर रोड स्थित पैसिफिक मॉल में मची सनसनी। बम के साथ आतंकवादियों के घुसने की फैली अफवाह। पैसिफिक मॉल में किया गया मॉक ड्रिल। लोगों ने इसकी सूचना मिलने पर ली राहत की सांस। मॉल से 2 किलोमीटर पहले ही रोक दिया गया था ट्रैफिक। राजधानी दून के बाद हल्द्वानी में चलाया जाएगा अतिक्रमण हटाओ अभियान, जिसके चलते सिटी मजिस्ट्रेट ने व्यापार मंडल के साथ की बैठक। मांगे गए सुझाव। पर्यटन विभाग ने मसूरी में रिहायशी मकान में चल रहे गेस्ट हाउस व होम स्टे पर शुरू की कार्रवाई। गेस्ट हाउसों के लाइसेंस किए गए चेक। विभाग ने अवैध गेस्ट हाउसों को जारी किया कारण बताओ नोटिस। देहरादून में जगह जगह लगा कूड़े का अंबार। शीशमबाड़ा में कूड़े की बदबू से परेशान लोगों ने किया विरोध। सही ढंग से कूड़ा डंप नहीं होने के कारण फैल रही गंदगी। हरिद्वार में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टरों की कमी के चलते गई घायल की जान। सड़क हादसे में घायल को लाया गया था अस्पताल। 108 एम्बुलेंस सेवा में ही तड़प तड़प कर चली गई जान। अल्मोड़ा में कोतवाली क्षेत्र के धामस गांव में ग्रामीणों ने की संदिग्ध की पिटाई। एक विक्षिप्त युवक को चोर समझकर पीटा। पुलिस को सूचना मिलने पर युवक को परिजनों के हवाले किया गया। उत्तरकाशी में लगातार हो रही बारिश से उफान पर यमुना यमुनोत्री धाम में मची तबाही। यमुना के उफान के बाद यमुनोत्री धाम पर मंडरा रहा खतरा। चमोली में बारिश के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त। बांजबगड़ गांव सहित करीब 6 गांवों को जोड़ने वाले पुल का एक हिस्सा नदी में बहा। रस्सी के सहारे स्कूल का सफर तय कर रहे हैं बच्चे। पहाड़ों में मूसलाधार बारिश के चलते बढ़ा गंगा नदी का जलस्तर। ऋषिकेश में गंगा का लेवल 339.30 मिलीमीटर तक पहुँचा। लोगों को सता रहा डर।